क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के भी अपने एक डंपलिंग्स होते हैं? जी हाँ, अफगानिस्तान दरअसल पुराने रेशम मार्ग पे स्थित था। तो जब चीनी व्यापारी ईरान जाते थे व्यापार के लिए, तब अफगानिस्तान से होकर गुजरते थे, और इसके बाद मंगोल जो शासक थे, चंगेज खान की सेनाएं जो थी, उन्होंने बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान पर राज करा। नतीजन बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज हुआ और बहुत सारी ऐसी डिशेस निकल के आई जिनमें चाइनीज या मंगोल इन्फ्लुएंस बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। ऐसी ही एक डिश है औशाक। औशाक या अशाक एक तरह का अफगानी डंपलिंग है जिसे रिवायतन भरा जाता है गंडाना से, जो कि एक अफगानिस्तान की लोकल लीक है। पर अगर आपको गंडाना नहीं मिले तो आप लीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हरे प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे हरे प्याज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डो लगा लेते हैं अशाक का, और डो के लिए हम ले लेंगे मैदा। मैदा के अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, एक अंडा और थोड़े से पानी के साथ अब हम इसे गूंद लेंगे। इसको अच्छी तरह से गूंदना है हमें, सॉफ्ट डो तैयार करना है। बस आपका डो तैयार हो जाए तो इसको गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से राइज हो सके, अच्छे से ये ढल जाए डो। तो इसको रखते हैं हम साइड में, और अब तैयार कर लेते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए हमने लिया है यहाँ पे चॉप्ड ग्रीन अनियंस। इसके अंदर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर, धनिया, हरा धनिया हमने इसमें ऐड किया। इसके साथ इसमें जाएगा नमक थोड़ा सा, जरा सा गार्लिक, बहुत जरा सा, बिल्कुल एक हिंट जितना, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और 2 चम्मच ऑयल। इस रेसिपी में हम जो भी सामान यूज कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ी देर जब रखेंगे तो नमक डालने की वजह से ये थोड़ा सा सब्जी सॉफ्ट होगी, इसके फाइबर्स ब्रेक होंगे और फिलिंग भरने में आसानी होगी। तो इसको रख देते हैं हम साइड में। अशाक सर्व होता है एक सॉस के साथ, जो कि टमाटो अनियन बेस्ड सॉस होती है। तो अब पहले वो सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग 3 बड़े चम्मच ऑयल हमने लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए अब इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक, और अब इसको हमें सौते करना है। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है गार्लिक को, बस 1 मिनट तक सौते करिए। सौते करने के बाद इसमें जाएगा चॉप्ड अनियन। चॉप्ड अनियंस के बाद इसको भी हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस अनियंस को सॉफ्ट करना है। और अनियंस के साथ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि ये अच्छे से गल जाए। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसको सौते करिए।
तो जब तक ये सौते हो रहा है, आपको अशाक के बारे में कुछ बताता हूँ। अफगानिस्तान में जो सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब है वो है पश्तून, और जो अशाक जनरली लेडीज़ बनाती हैं, दोपहर का समय होता है जब बाकी सारे कामों से फ्री होकर ग्रुप में लेडीज़ बैठ जाती हैं और बैठे बैठे अशाक बनाती रहती हैं। तो वो फिर शाम का नाश्ता, रात का नाश्ता तैयार हो जाता है। इस तरह से ये कल्चर में है अशाक बनाना। तो प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें जाएगा चॉप टमेटोज। चॉप टमेटोज को क्विकली थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो। इसके बाद इसमें जाएगा क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर। मिक्स करिए अच्छे से। बहुत ज्यादा मसाले अफगानिस्तान के खाने में नहीं होते, ना ही अफगानिस्तान का खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच टमाटो पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये सॉस को एक बॉडी देगा। यहां पर हम क्रश कर देते हैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये हमने ब्लैक पेपर मिक्स कर दी। जब टमाटर और प्याज का ये मिक्सचर मशी हो जाए, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं भीगी हुई चना दाल। जो वेजिटेरियन सॉस होती है उसमें भीगी हुई चना दाल यूज होती है, नहीं तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन सॉस बनाना चाहते हैं तो यहां पर इसमें जाता है ट्रेडिशनली बीफ मिंस या मटन मिंस। तो मिंस मीट जाता है, उसकी जगह चना दाल भीगी हुई रात भर सोख हुई हुई आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये चना दाल डाल के इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के पकने देंगे तब तक जब तक कि चना दाल गल ना जाए और हमारी सॉस थिक ना हो जाए। इसके अलावा जो अशाक सर्व होता है वो होता है एक योगर्ट बेस्ड डिप होता है जिसको ट्रेडिशनली कहा जाता है चाक। वो बनाते हैं योगर्ट बेस्ड डिप और वो डिप आपको बहुत सारी अफगानी रेसिपीज में काम आएगा जो हम इस सीरीज में आगे भी दिखाएंगे। वो दैट्स अ वेरी क्विंटेसेंशियल अफगानी डिप, हर मील में वो होना बहुत जरूरी है। तो चलिए चाक बनाते हैं। चाक बनाने के लिए हमने हंकर्ड यानी ग्रीक योगर्ट ले लिया है। इस ग्रीक योगर्ट में जाएगा थोड़ा सा चॉप गार्लिक, इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा नमक, थोड़ा सा मिंट का पाउडर, ड्राइड मिंट पाउडर, और अब बस इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। एकदम स्मूथ होता है ये। इसको मिक्स करिए अच्छे से और आपका चाक तैयार है। तो हमारी सॉस रेडी है, हमारी फिलिंग रेडी है, चाक रेडी है। अब बारी है अशाक बनाने की। हमारे डो में से छोटा सा ये बॉल मैं ले लेता हूं, बिल्कुल जैसे डिमसम्स बनते हैं, मोमोज बनते हैं उसी तरह से। थोड़ा सा ड्राई मैदा के साथ इसको हम बेल लेंगे। ये बेल लीजिए। इसके बाद एक कटोरी की मदद से मैं इसको काट लेता हूं गोल गोल। अब ये हमारे पास जो राउंड्स आए हैं इसमें हमें 1 चम्मच फिलिंग रखनी है। ज्यादा ओवर स्टफ मत करिए, थोड़ा सा पानी का हाथ लगाइए और इसको आधा फोल्ड करके इस तरह से एजेस को सील कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल था। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी अशाक बना के रख लीजिए। और अब इसको स्टीम नहीं करना है, इसको हमें उबलते हुए पानी में पकाना है।
तो पानी यहाँ हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको पकाएंगे अशाक को उबलते हुए पानी में। एक एक करके इसमें डाल देते हैं। डोंट ओवर क्राउड योर पैन। 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये पक जाएगा और फिर इसकी असेंबलिंग होगी। देखिए ये फूलेगा और फूल के ये ऊपर आ जाएगा। बस इसका मतलब अशाक जो है वो पक चुका है। इसको निकाल लेते हैं और एक प्लेट पे सेट कर देते हैं। बस अब इसे सर्व करने के लिए बहुत आसान है। जो सॉस हमने तैयार की थी उस सॉस को इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करिए, थोड़ा सा योगर्ट स्प्रेड करिए और चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करके सर्व करिए। तो ये था अशाक, ट्रेडिशनल अफगानी अशाक। बना के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी है ये फ्लेवर में। हमारा वीडियो लाइक करना ना भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार अगले एपिसोड में फ्लेवरफुल अफगानिस्तान के आपको एक और अफगानी डिश सिखाएंगे। तब तक के लिए खुशामदीद।